हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेट ज्ञान के चैनल पर। मैं आप लोगों को सबसे पहले नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जितने भी कंसेप्ट थे सब कुछ करा चुका हूँ। आज हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, उन्नीस को 11 से भाग करिए और 9090 को भी 11 से भाग कीजिए, तो दोनों के जो प्राप्त शेषफल है उनका कितना गुणनफल होगा ये बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो हमने सिर्फ भाग करके और जो हमारा गुणनफल जो शेष आएगा उसके हमने गुणा कर देनी है। तो कर दीजिए, 1909 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 वन ज़ा 11, 7 यहाँ पर आएगा, सेवन 77 बचने वाला कितना है, 3, 0, 11 दूनी 22, इसके बाद 8, 9, तो फाइनली हमारा यहाँ पर शेष कितना आता है, हमारा यहाँ शेष आया 1। इसी प्रकार हम 11 से इसको भाग करेंगे, 9090, 11 8 88 बचेगा 2, 9, 11 दूनी 22, 7 0 और हमारा यहाँ शेष बचेगा 4। हमने क्या करना है कि जो दोनों शेष आएंगे इन दोनों शेष की मल्टीप्लाई, इन दोनों शेष का हमें गुणनफल चाहिए, तो 4 × 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको जो है डिवाइड करना थोड़ा तेज़ी से आना चाहिए। बस इसमें यही हमसे पूछना चाहता है कि हम कितनी तेज़ी से डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1,10,111 को 11 से भाग करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योग कितना होगा, कीजिए भाग। 11 से भाग करेंगे 1,10,111 को, 11 एकम 11, कुछ नहीं आया। फिर मैं इस जीरो को नीचे लाऊंगा और इसका पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगा 11 का, इस पर पहाड़ा मैं नहीं पढ़ सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक जीरो लगा दूंगा, सॉरी यहां एक जीरो लगा दूंगा, ये मैंने 11 यहां पर गलत लिख दिया, जीरो लगा दी जाएगी। थोड़ा इसको और साफ कर देते हैं, पहाड़ा ना पढ़ने की जीरो लगाई मैंने और एक अंक और मैंने उतार लिया, क्लियर है। अभी मैं 11 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैंने एक जीरो और लगाई और एक अंक और उतारा और 11 एकम 11 एक बार मैंने पहाड़ा पढ़ दिया, कुछ भी नहीं बचा। फिर मैंने इस एक को उतारा और मैं इस पर 11 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो पहाड़ा ना पढ़ पाने की जीरो लगाकर छोड़ना होगा। तो बच्चों, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, 1,00,10, और इसमें ऐड करना है 1 को, तो 1,00 और 11, ये हमारा आंसर होगा, 1,00 और 11 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, गुणनफल 1,109 × 505, ये सवाल है। इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, माइनस की जाए कि हमें क्या मिले, 5,050,050 ये हमें मिल जाए। तो हमने बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 505 की 9 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5,45, 4 आएगा वो कैरी कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 509, फिर कितना हो जाएगा, 505 में 50 जोड़ देंगे तो 555। भाई ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, आप भी कर सकते हैं इस मल्टीप्लाई को, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ, देखिए कैसे मैंने मल्टीप्लाई की है, जान लीजिए, 505 की मल्टीप्लाई 9 से की, तो 9 × 5 45, 9 × 5 45 ये आया 4545। तो मैंने कितने अंकों तक इसको लिख दिया, अच्छा मुझे इसको 2 अंकों तक लिखना था, ये मैंने मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई, इसको मैं मिटाकर दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए, मुझे इसको लिखना था सिर्फ यहाँ पर 45 और इस 45 को मुझे कैरी करना था, ठीक है। अब मैंने 505 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो 505 एकम 505 और 550 हो जाएगा ये, अब मेरा कैरी कितना हो गया, 55। मैंने 505 एकम 505
पचपन की मल्टीप्लाई की, अब ये 560 हो गया, अब मेरी सही मल्टीप्लाई हो गई। मतलब लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग ध्यान से लिखेंगे। 50 50 50, इसको इधर लाइए, इसको इधर लेकर जाइए। 560045 माइनस 50 50 50 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, 9 माइनस 5 यहाँ जाएगा 4, और यहाँ 5 बचेगा, 5 5 4 9 5, ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन का खेल है, सी टेट में एक या दो सवाल ऐसे आते हैं जो आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि आप कितनी तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाते हो और सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं। 102 और 201 में से क्या घटाया जाए कि हमें 19,999 प्राप्त हो, ये सवाल है। कर लीजिए मल्टीप्लाई इन दोनों की, 102 एकम 102, 102 दुनी 204 और एक 205, और माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल 19,999। आप इसको इधर लाएंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, आंसर ही आ जाएगा 503। मैंने बोला ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, गलत है। तीन विषम संख्याएं 3 5 7 गुणा की 105 आया, सम कहाँ आया? ये तो विषम ही आया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या हो सकता है। सम संख्या मान लीजिए 10 है और विषम संख्या मान लीजिए 3 है, अंतर कितना आएगा? 7। ये सम कहाँ है? विषम है, गलत है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याएं 3 5 और सम संख्या 4, इनका योगफल 12, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, तीन विषम संख्याएं 3 5 7, ये 15 है, ये भी गलत है। इस तरह के जब भी आपको कोई सवाल मिलेंगे तो बच्चों आप ऑप्शन से आप संख्याएं मान कर करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लेंगे और आप उसको चेक करके देख लेंगे, ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के सवाल को करने का, जैसे मैंने आपके सामने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 625165 लिख लेता हूँ, 625165215621, 5 के स्थानीय मानों का योगफल, 5 का स्थानीय मान यहाँ कितना है? 50, यहाँ कितना है? 500, और यहाँ कितना है? 5000, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5550 जोड़ देंगे, 5550। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 10 लिखा मैंने, 10,000 तीन जीरो लगा दी, 1000 की 3 0, 10 लिखा मैंने, 100 100 की 2 0 लगा दी, 10 10 लिखा, ढाई की 1 0 लगा दी, इसको जोड़कर देखा 11,100, ये रहा आंसर। जोड़कर देखेंगे आप लोग क्या आएगा, 11,100 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,112 को 11 से भाग करना है, 12,112 को 11 से भाग कर देते हैं, 11 एकम 11 बचेगा 1, फिर 1, 11 एकम 11 फिर 1 उतार लेंगे, पढ़ नहीं पढ़ पा रहे हैं इससे, 0 लगाकर 2 उतार लेंगे, 11 एकम 11 शेष कितना आएगा? 1 आएगा। फिर हम लोग 13 से भाग करेंगे, किसको? 1 3 2 2 3 इसको, 13 एकम 13
कैंसिल, दो उतारेंगे, ज़ीरो लगाकर दो उतारेंगे, 13 एकम 13 नौ आएगा, फिर 13 सत्ते 91 दो आएगा, एक की और दो की गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, सॉरी योग चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, हमें योग चाहिए, गुणा नहीं चाहिए, योग, तो 1 प्लस 2 तो हमारा आंसर 3 होगा, ये आंसर सही है क्योंकि हमें गुणा नहीं योग चाहिए। नेक्स्ट 5 6 4 3 1 छः का स्थानीय मान 6000 और 4 का अंकित मान 4, इनका अंतर चाहिए 6995, आंसर होगा 5996। नेक्स्ट 1001 इंटू 111 इक्वल्स टू 114 times 0 प्लस 11 इंटू ब्लैंक स्पेस, हमें चाहिए कि ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 6 times 1, इसको उठाकर इधर ले आना, माइनस हो जाएगा 114 times 0 इक्वल उधर बचेगा 11 इंटू ब्लैंक स्पेस, माइनस करेंगे 1111 उधर बचेगा 11 इंटू ब्लैंक स्पेस, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11 फिर 0, 11 एकम 11, क्योंकि कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला 11 इधर आकर डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 101। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15201 में 5 का स्थानीयमान, 5 का स्थानीयमान कितना है इसमें 5000, ठीक है, और 2659 में 6 का स्थानीयमान, इसका स्थानीयमान कितना है इसमें 600 का स्थानीयमान, यहाँ बराबर का निशान आएगा इक्वल, और ये है 7 इंटू ब्लैंक स्पेस, ये हिंदी में लिखा हुआ 7 है, ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 5600 इक्वल 7 इंटू ब्लैंक स्पेस, 7 उधर मल्टीप्लाई करा इधर आकर डिवाइड करेगा 5600 को, ब्लैंक स्पेस की वैल्यू आ जाएगी निकल कर आपके पास 7 8 56 800, ये आंसर आएगा, तो ब्लैंक स्पेस पर कौन आना है 800। नेक्स्ट अगला सवाल 26673 को 39 से भाग करना है, 29405 को 34 से भाग करना है, काफ़ी बड़ा सवाल हो गया अभी ये, इतना तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, तो शेषफल के अंतर को 18 से भाग करना है, तो शेषफल कितना होगा ये आपको भाग करके दिखाना ही पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि भाग आप कैसे करेंगे, देखिए सवाल क्या है 26679 इसको आप भाग करेंगे 39 से, ये सवाल है किसे भाग करेंगे 39 से, करिए देखिए कितनी बार हम लोग भाग कर सकते हैं, ये जाएगा 6 बार, 6 9 54 6 3 18 5 23 बचेगा कितना 2 और यहाँ पर 3, फिर आ जाएगा 7, इस बार जाएगा ये 8 बार, 8 9 72 बचेगा 7, 8 6 24 और 7 31 5 1 9 इस बार जाएगा ये 4 बार, 4 9 36 156 तो यहाँ शेष कितना आया 3 आया। इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था 29405 इसको किससे भाग करना है 34 से, इसको 34 से भाग करना है तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा 8 6 32 3 8 6 24
और 3 27, इतना जाएगा, बचेगा कितना, 2 2 0, क्लियर है। इस बार जाएगा ये 6 बार, 6 6 24, 6 3 18, 18 2 20, बचेगा कितना, 165। अब कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 4 3 12, सॉरी 4 6 16, 4 6 16 और 4 3 12 और 1 13, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 और 2, ये आया 29। अब बच्चों मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा, क्योंकि सवाल ये था ना, इन दोनों का भाग देने पर, सॉरी शेषफल का अंतर, गुणा नहीं करनी है, शेषफल का अंतर चाहिए। तो शेषफल कितना कितना है, 29 माइनस 3 कितना आया, 26। अब इस 26 को 18 से भाग करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, बचेगा कितना, 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, शेषफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये हमारा आंसर है 8, क्लियर है। मतलब हमें पूरा ये करके दिखाना ही पड़ेगा, ये डिवाइड वाला प्रोसेस हमें करके दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 112 इकाई का मतलब क्या है, 112 इकाई का मतलब 112 ही है, 12000, 12 पर 3 0 लगा दो, ये 12000 बन गया, बराबर 11012 और प्लस में कितनी दाई, ये सवाल है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर, कितनी दाई। मैंने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो भाई ये आया 12112, और मैं उठाकर इसको भी इधर ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा 11012, और बराबर में आ जाएगा कितनी दहाई, ये सवाल है, कितनी दहाई। भाई मैंने माइनस किया दोनों को, तो माइनस करने पर मुझे कितना मिला, 1100, और बराबर ब्लैंक स्पेस और इनटू दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है, दहाई का मतलब क्या होता है, 10। अब मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 110, है कहीं, हाँ ये रहा 110, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 101 एकम 101, फिर 101 एकम 101 और 10, 111, फिर कैरी एक होगा 102, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूँ, -10300, फिर मैंने बोला -7 into blank space, अब यहाँ माइनस, इक्वल का साइन बचा और यहाँ माइनस, माइनस करते हैं, माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर इतना ही आएगा माइनस का, -7 into blank space। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान है। दोबारा फिर समझो, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आया, इसे उठाकर इधर ले आया, उधर इक्वल का साइन बचा और माइनस का 7 into blank space बचता है, ये आया मेरे पास, माइनस किया, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, छोटी में से बड़ी घटाते तो माइनस का निशान आ जाता है, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 नीचे आकर इसको डिवाइड कर देगा, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 7 49, आंसर आएगा 127। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, 1647 में 6 का स्थानीयमान, तो भाई 6 का स्थानीयमान कितना होगा इसमें, 6000 माइनस 7605 में 6 का स्थानीयमान, इसमें 6 का स्थानीयमान कितना होगा, 600 इक्वल 6 into blank space, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5400 इक्वल 6 into blank space, ठीक है, 6 इधर आकर इसको कैंसिल करेगा, 6 निम 54, 900 आंसर आ जाएगा, 900, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, 15 इकाई प्लस 15000 प्लस
कितनी दाई, दाई का मतलब 10 होता है, और मल्टीप्लाई लगा देंगे हम लोग क्योंकि मल्टीप्लाई तो करते हैं हम लोग ये, बराबर 16,165। इसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो 15,015 आया, और इसको उधर भेज दीजिए, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाकर, यहाँ बचेगा ब्लैंक स्पेस इनटू दाई, और ये हो जाएगा 16,165 माइनस 15,015, ब्लैंक स्पेस इनटू दाई, इनटू दाई और बराबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0,511, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 115। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। 29503 में 5 का स्थान निर्माण 500, और 3207 उनमें 7 का अंकित मान, अंकित मान तो इसका 7 ही होगा, और इनका अंतर 493। सवाल खत्म, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं, 3028 इक्वल 28 इकाई, मतलब 28 ही हो जाएगा, प्लस 28,000, हज़ार पर 3 0 लग जाएंगी, और प्लस कितनी दाई, दाई का मतलब 10, तो भाई ये 28,028 हो जाएगा पूरा, इसको इधर लाएंगे, 30,028 माइनस 28,028 इक्वल ब्लैंक स्पेस इनटू 10, ये जुड़कर 28,028 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 इक्वल ब्लैंक स्पेस इनटू दाई, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 200। आगे बढ़ते हैं, 80,808 को 108 से भाग करना है, और 90,909 को 109 से भाग करना है, जो हमें शेषफल मिलेगा इस शेषफल को इस शेषफल से भाग करना है। तो चलिए पहले मैं आपको भाग करके दिखा देता हूं, 80,808 को 108 से, 80,808 को 108 से भाग करते हैं, 7 बार, 7 8 56, 7 1 7, बचेगा कितना, 2 5, 52 बचा 0, कितनी बार, 4 बार, 4 8 32, 4 1 4, बचेगा कितना, 8, 13 में से 11 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 8, 11 में से 3 जाएगा 8, फिर इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसको 8 को, कितनी बार, 8 बार, 864, यहाँ कितना बचेगा, 4 2, 24 आया शेषफल, शेषफल कितना आया, 24। अब इसके बाद 90,909 को 109 से, 90,909 को 109 से भाग करते हैं, कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 9 72, 8 1 8, 7 3 0, 3 बार, 327, 3 6 में से 2 जाएगा 4 9, इस बार कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, 436, शेष बचेगा 3। अब देखिए बच्चों सवाल क्या था, सवाल ये था कि यहाँ से जो हमें शेषफल मिलेगा इस शेषफल को इसके शेषफल से भाग करना है, तो कर दीजिए भाग, 3 से 24 को भाग करना है, कितनी बार, 8 बार, हमसे पूछा भागफल कितना आएगा, मैंने बोला 8 आएगा, तो इसका आंसर कितना है, 8, बस भाग करना है। कुछ सवाल, एक दो सवाल एग्जाम में ऐसे आते ही आते हैं जिनमें आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होने ही होना है आपका, यहाँ देखेंगे 603 और 28 की गुणा कर लीजिए, 28 से 84, 28 168 इक्वल्स टू 63 इंटू 4 और इंटू ब्लैंक स्पेस,
वैसे अगर मैं चाहूँ तो मुझे पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है। बिना मल्टीप्लाई के ही मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। देखिए कैसे कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को भी यहीं पर कैलकुलेट करके इसको दिखा देता हूँ। ऊपर ही आप ध्यान से देखिए, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, लिख देता हूँ यहाँ 6। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 28, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 3 63, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 6 54, 9 7 63, 67 आंसर। बस दोबारा से फिर देख लो, बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 603 गुणा 28, इन दोनों को उठाकर नीचे ले आओ, 63 इंटू 4, उधर ब्लैंक स्पेस बचेगा, 4 7 28, 7 3 63, 9 6 54, 9 7 63, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 50 से छोटी है, और 4 दाहिनी और 5 दाहिनी के बीच में है, 40 और 50 के बीच में है। समझ गए इतनी बात तुम? 4 दाहिनी और 5 दाहिनी के बीच में है, 100 के आधे से छोटी है मतलब 50 से छोटी है, और 4 दाहिनी और 5 दाहिनी के बीच में मतलब 40 50 के बीच में है। इसके इकाई का अंक दाहिनी के अंक से एक कम है, इकाई का अंक दाहिनी के अंक से एक कम है, तो 54, ये तो 40 50 के बीच में नहीं हो पा रही, तो फिर 43 ये सही है। मैंने क्या बोला, इकाई का अंक दाहिनी के अंक से एक कम है, 43। और इसने बोला यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, सब कुछ बता दिया इसने, सारी हिंट दे दी सवाल में, अंकों का योग 7 है, यहाँ 9 बन रहा है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो 4 3 12 हो जाएगा गुणनफल, ये लो खत्म। आगे बढ़ो, अंक 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर भरिए, और इसका योग अधिकतम चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, योग अधिकतम, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कौन सी होगी? तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, ठीक है। 8 के साथ यहाँ लिखेंगे हम 6, 7 के साथ यहाँ लिख लेंगे हम 4, यहाँ लिख लेंगे हम 3, और यहाँ लिख लेंगे हम 2, जोड़ लीजिए। सबसे बड़ी संख्या तो ऐसी बन सकती है, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए ना। अगर कुछ बच्चे सोचते हो कि 8 7 6 यहाँ लिख लो, 4 3 2 यहाँ लिख लो, तो ये सबसे बड़ा सम नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा सम ये वाली संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर ये वाली बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से होता है। सम करेंगे 3 और 2 5, 6 4 10, 8 7 15 1 16, आंसर 1605 है, ठीक है भाई। ये हमारे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, और इस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है।